हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें अब अपन करेंगे ये जो अपना न्यू ऐड हुआ है दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए पहले से रीड करते हैं। अक्सर लिमिटेड हैज अ सेल्स ऑफ ₹68 लाख विद अ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ऑफ 60%। तो यहाँ पर अपन को सेल्स गिवन है 68 लाख रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 60%। ठीक है, मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे क्या? दो मिनट में कैलकुलेट करो। 60 लाख इंटू 60% ये आ जाएगा 40 लाख 80,000। 40 लाख 80,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़े। द कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 16,32,000। फिक्स कॉस्ट भी अपन को गिवन है सीधा का सीधा। आगे देखते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ 12% लॉन्ग टर्म डेट, ओके, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कैरिंग डिविडेंड रेट 10%। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानो लॉन्ग टर्म डेट का अपन को अमाउंट नहीं दे रखा है। ठीक है, देखो ये कॉमा के बाद है 1 लाख रुपए। ठीक है, कॉमा तक कितना है ये, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को पता है 12%, लेकिन अमाउंट नहीं पता। लेकिन जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका अपन को अमाउंट भी पता है 1 लाख, और इन पर कितना रेट डिविडेंड देना है वो भी पता है, कितना है 10%। इक्विटी शेयर्स नंबर में दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 1,50,000। ओके, आगे देखते हैं। द टैक्स रेट सीधा सीधा 30% एट करंट सेल्स लेवल। ये जो अपन को करंट सेल्स लेवल दे रखा है दैट इज 68 लाख, इसकी बात हो रही है। ठीक है, 68 लाख जो दे रखा है करंट सेल्स लेवल, इसका अपन को डिटरमाइन क्या करना है, इंटरेस्ट, ओके, ईपीएस, ओके, एंड अमाउंट ऑफ डेट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अमाउंट ऑफ डेट नहीं दे रखा, सिर्फ इंटरेस्ट का रेट दे रखा है। तो आपको अमाउंट ऑफ डेट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर द फर्म, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब एक और बात बोल रहे हैं, इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ऑल द ईपीएस। क्या बोल रहे हैं, सुनो, अभी का हमारा करंट लेवल का सेल्स है 68 लाख रुपीज, और जो भी हम अमाउंट निकालनी है, जो भी सारी चीजें कैलकुलेशन करनी है, वो सारी 68 लाख वाली ही करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है कि अगर सेल अगर हमारी 25% से गिर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 25% से अगर गिर जाएगी, तो वो पूरा का पूरा ईपीएस साफ कर देगी। मतलब ईपीएस अपन को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अर्निंग पर शेयर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पहले तो मुझे बताओ 25% सेल हुई कितनी, कम करनी है 25%। ठीक है, तो 68 लाख में माइनस करना 25%, ये आ जाएगी 51 लाख। ठीक है, इसका दूसरा वे भी है कैलकुलेट करने के लिए कि 68 लाख का या तो आप 25% माइनस करो, ये भी आ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका है 68 लाख का आप 75% निकाल लो। ठीक है, क्योंकि 68 में से 25 माइनस करोगे तो 75 ही तो बचा। तो कैसे भी करोगे आप, 25% जब डिक्लाइन होगा तो सेल्स कितनी हो जाएगी हमारी, 51 लाख। और जब 51 लाख सेल्स होगा तब हमारा ईपीएस जीरो होगा। बोल रहे हैं ईपीएस कुछ नहीं कमाओगे आप, 25% कम होने से ही ईपीएस हमारा वाइप आउट हो जाएगा, ईपीएस हमारा खत्म हो जाएगा जीरो। समझ में आ गया? देखो करंट लेवल सेल दे रखी है, वो सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, जो कैलकुलेशन करना है वो भी करंट सेल्स लेवल का करना है, लेकिन बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है ये वाली। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन एवं ही मत ले जाना, सबसे काम की बात है। ठीक है, अब किस तरीके से इसे यूज करना है, क्या होगा क्वेश्चन में, वो अपन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा क्लैरिटी एकदम फुल वाली। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन करने के लिए अपन को बनाना पड़ेगा एक इनकम स्टेटमेंट, तभी अच्छा प्रेजेंट बनेगा। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मेट बनाओ पर्टिकुलर्स और दो तरीके के कॉलम बना लेना। दो तरीके के कॉलम क्यों बना रहे हैं, एक तो अभी का करंट सेल्स लेवल दैट इज कितना गिवन था 68 लाख, एक वाला बना रहे हैं जब इसमें 25% कम हो जाएगा, 68 में 25% कम हो जाएगा
ये मैंने आपको बताया था 51 लाख बचेगा, ठीक है। तो ये वाला कॉलम बनेगा हमारा करंट सेल्स लेवल का, और ये बनेगा -25% का, ठीक है। तो सेल्स आ जाएगी यहाँ पर 68 लाख, और यहाँ आ जाएगी 25% कम कर दोगे तो 51 लाख, ठीक। अब जो जो अपन को पता है पहले वो सारी चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक फॉर्मेट क्रिएट कर लो। ये फॉर्मेट सबको आता ही होगा भाई, FM पढ़ रहे हो तो फॉर्मेट तो पता ही होगा आपको, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो EBIT आ जाता है, EBIT में से आय दैट इज इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो EBT आ जाता है, टैक्स रेट माइनस कर दोगे एट द रेट 30% तो आ जाएगा EAT, और जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होती है ये होती है ओनर्स की, तो पहले मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो पहले मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद जो अर्निंग बच गई उसको बोलते हैं EAES दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाएगा आपके पास EPS अर्निंग पर शेयर। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पता होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल्स अपन ने लिख ली, अब जो जो पता है वो लिखते जाओ। वेरिएबल कॉस्ट पता है क्या? एक सेकेंड, वेरिएबल कॉस्ट था 60% शायद, ओ सॉरी शायद अपन ने कैलकुलेट भी किया था 60%, 40,80,000 पेन कहाँ गया? तो सबसे पहले माइनस कर देंगे 40,80,000 में से 68 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन 34 लाख। गलत आ रहा है, एक सेकेंड, ऐसे कैसे आ जाएगा 40,80,000? हाँ वही, मेरे को 10 में से 8 गए 20,000, तो यही बचा, तो 27,20,000 आ गया, ठीक है। ये कितना है हमारा वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 60%, ठीक है। उसके बाद आती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अपन को गिवन थी कितनी, देखो देखो कितनी गिवन है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा 16,32,000, 16,32,000 फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, तो इधर भी 16,32,000 और इधर भी 16,32,000, ठीक है। ये माइनस कर दोगे तो आ जाएगा हमारा EBIT, तो 27,20,000 में से 16,32,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 10,88,000, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट अपन को पता है? इंटरेस्ट का रेट तो पता है 12%, इंटरेस्ट का रेट तो पता है 12%, लेकिन ये लगता किस पे है? डेट पर, अमाउंट ऑफ डेट पर, वो अपन को नहीं पता, ठीक है। तो इंटरेस्ट अपना नहीं आ पाएगा, EBT आ पाएगा क्या? नहीं। टैक्स आ पाएगा क्या? नहीं। अब कुछ नहीं आ पाएगा, एक ये आप अमाउंट लिख सकते हो प्रेफरेंस डिविडेंड का, 1 लाख इसका अमाउंट था प्रेफरेंस शेयर्स का और 10% भी था, 1 लाख का 10% 10,000। बाकी इन चीजों में अपन कुछ भी नहीं कर सकते, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सिर्फ यहीं तक कंप्लीट कर लो, हो गया? साथ साथ कर रहे हो ना, वीडियो पॉज कर लेना अगर नहीं हुआ हो तो। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपन 51 लाख पे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 51 लाख, ये क्या है हमारी सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60%, तो 51 लाख का 60% ये आ जाएगा 30,60,000, 30,60,000। अब अपन माइनस कर देंगे 51 लाख में से 30,60,000, ये आ जाएगा हमारा 20,40,000, ये क्या आ गया? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन 20,40, ठीक है। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है, फिक्स रहती है, तो सेम हमारा रहेगा 16,32,000, माइनस करेंगे तो आ गया हमारा EBIT 4,08,000। अब अपन अगेन फंस जाएंगे क्योंकि अपन के पास इंटरेस्ट नहीं है, EBIT ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे जाओ, लेकिन आपको इस केस में ये पता है कि हमारा EPS 0 होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था 25% से अगर सेल्स डिक्लाइन हो जाएगा तो EPS 0 हो जाएगा, 0 यानी कि EPS कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इससे डिवाइड भी करें, ये बताओ जो अपन को नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, अब मुझे बताओ EPS nil का क्या मतलब है? EPS nil का मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए कुछ बचा ही नहीं, यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में भी अपन क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए
कुछ भी नहीं बचा, निल, एकदम कुछ नहीं बचा। तो 1,50,000 में हम बांटेंगे क्या? 1,50,000 जो इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसमें बांटेंगे क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पर निल कैसे लिखा, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि अगर सेल्स 25% से डिक्लाइन हो जाएगा तो हमारा जो ईपीएस है वो वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल नहीं बचेगा। तो निल इसका मतलब सिंपल है कि इक्विटी वालों के लिए जीरो है। ठीक, लेकिन हम प्रेफरेंस वालों को तो देंगे ना 10,000। प्रेफरेंस वालों के जो 1,00,000 अमाउंट है शेयर का, 1,00,000 अमाउंट है, उस पर 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, वो तो फिक्स होता है, वो तो देंगे ना। वो थोड़ी बोला उन्होंने कि आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं दे पाओगे, उन्होंने सिर्फ ईपीएस का बोला है, ईपीएस नहीं बचेगा कुछ भी। ठीक है, इक्विटी वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब हमने जितना भी पैसा बचा होगा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड तो दे दिया होगा, दैट इज 10,000। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले अपन को क्या देना होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले अपन को टैक्स भी देना होता है, टैक्स भी देना होता है। यहाँ पर बहुत लोग गलती कर सकते हैं, तो वो मैं बता दूँ किस तरीके से यूज करोगे आप इसे। 10,000 जो है, 10,000 क्या है, वो जो भी हमारी अर्निंग होगी ना उसका सिर्फ 70% होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स 30% तो कट गया होगा, तो 10,000 जो है वो हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 70%, सिर्फ और सिर्फ 70%। यानी कि हमारी अर्निंग कितनी हुई होगी, 1,42,857, यानी कि 1,42,86, ये हुई होगी हमारी अर्निंग। समझ में आया कैसे आई है? कैसे आई? ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारा, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो टैक्स के बाद मिलता है, यानी कि टैक्स वाली भी तो अर्निंग हुई होगी। तो ये जो अपन के पास 10,000 है ना, ये जो 10,000 है वो सिर्फ और सिर्फ 70% है। तो इससे आप 100% निकाल सकते हो, 100% कितना आएगा हमारा, 1,42,86, यानी कि 1,42,86 पर, 1,42,86 पर हमने 30% टैक्स दिया होगा, 4,285.8 आ रहा है, तो 86 कर देंगे, ठीक है, राउंड अप करके, यानी कि अब जो हमारा बचा वो 10,000। अब देखो एकदम सही आ रहा होगा, अब कैसे सही आ रहा है दोबारा सब समझ लो जिसको समझ में नहीं आई हो। हम बैकवर्ड जा रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लो, हम बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी कि उल्टा जा रहे हैं। हमें ये पता है कि इक्विटी वालों के लिए कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस वालों को तो दिया होगा कितना, 10,000। लेकिन ध्यान रहे, प्रेफरेंस वालों को जो हम देते हैं ना वो टैक्स के बाद देते हैं, यानी कि टैक्स का भी पैसा दिया होगा अपन ने, तो एक अर्निंग में से हमने टैक्स का भी पैसा दिया होगा और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया होगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया होगा। टैक्स तो अपन को नहीं पता कितना है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड पता है 10,000। तो अगर टैक्स 30% है तो प्रेफरेंस कितना हो गया, 70%, यानी कि ये जो अपन ने 10,000 दिया है वो 70% है, ये जो अपन ने 10,000 दिया है वो 70% है। तो 100% कितना है, तो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो पता चल जाएगा जो 100% है वो 1,42,86 है, यानी कि एक्चुअल में जो हमारी अर्निंग है वो 1,42,86 है। उसमें से अपन ने 30% दिया है, उसमें से अपन ने 30% दिया है टैक्स, दैट इज 4,286। फिर जो बचा 10,000 वो हमने दे दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, और 10,000 बचे थे, 10 के 10 पूरे प्रेफरेंस डिविडेंड में डाले गए, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ बचा ही नहीं, सिंपल। बस ये बैकवर्ड की कैलकुलेशन अगर आपको आ गई फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ध्यान रखना जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 10,000 सिर्फ और सिर्फ 70% है अर्निंग का, क्योंकि 30% उससे पहले अपन को देनी पड़ती है क्या, टैक्स, तभी हो पाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, अब देखो, अब जो इंटरेस्ट है ना ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। कैसे? इंटरेस्ट से ऊपर वाला पता है अपन को, इंटरेस्ट से नीचे वाला पता है, तो बीच का तो बैलेंसिंग फिगर से आराम से आ जाएगा। 4,08,000 मतलब माइनस कर देंगे 1,42,86, ये आ गया 3,93,712। ठीक है, ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो ये वाली हमारी लाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से ये वाली लाइन आराम से कंप्लीट हो जाएगी। देखो दोनों में डेट तो उतना ही लगा था, दोनों में डेट तो उतना ही लगा था, तो इंटरेस्ट ऑफ रेट भी उतना ही होगा। दोनों में डेट इतना लगा था तो इंटरेस्ट ऑफ रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, अमाउंट भी सेम ही होगा, 3,93,712। कैसे मिला? यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कर लो तो ईबीटी आ जाएगा हमारा 3,93,712, ये आ गया 694,286, इसमें 30% टैक्स लगा देंगे, 2,08,285.8 कर देंगे। ठीक है,
अब माइनस करते हैं 69 4286 में से 20828, ये बच गया 4,86,000, 4,86,000। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,76,000, 10,000 है। ये सब लोगों को बांट देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन को पता है 1,50,000, ठीक है। देख रहे हो सिर्फ 25% सेल कम होने से इक्विटी वालों का कितना नुकसान हो रहा है। पहले इक्विटी वालों को देखो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है 476, लेकिन जब 25% हमने सेल घटा दी तो अर्निंग कितनी हो गई, जीरो, वाइप आउट सीधा। और अभी देखते हैं ईपीएस, 4,76,000 तो सब में मिलेगा, एक पर शेयर, एक शेयर पर कितना मिलेगा, तो 476 डिवाइड कर देंगे 1,50,000, ये आ जाएगा 3.1733। इसी के साथ ये टेबल कंप्लीट करते करते हमने क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी, दैट इज ईपीएस, जो कि हमारा 3.1733। समझ में आया आपको? और अब आपको ये वाली लाइन भी समझ में आई होगी कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी कि 25% कम हो जाएगी तो जो हमारा ईपीएस है वो वाइप आउट हो जाएगा। वो सब इसीलिए था ताकि ईपीएस को जीरो रखकर आप पीछे बैकवर्ड में चले जाओ और उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाए, इंटरेस्ट एक बार मिल जाए फिर आप इधर से गली से, फर्स्ट गली से वापस आ जाओ। अब आप सोच रहे होंगे मैम कौन सी गली की बात कर रहे हैं, तो ये वाली गली की बात कर रहे हैं। देखो उन्होंने ये वाली लाइन बताई थी कि अगर 25% सेल कम हो जाएगा तो ईपीएस हमारा वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि जीरो। इसका मतलब शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी अर्निंग नहीं बचा। तो यहाँ से हम उल्टी गली जाएंगे वापस, तो हमें यहाँ पर किस लिए रुके थे, ताकि हमें इंटरेस्ट अमाउंट पता चल जाए। जैसे ये वाली उल्टी गली खत्म हुई, इंटरेस्ट अमाउंट पता चला, ये वाला इंटरेस्ट अमाउंट अपन ने यहाँ डाला और ये वाली हमारी लाइन कंप्लीट हुई, सीधे इस गली से आ गए। तो यूं करके आपको यूं आना है, ठीक है। मैं अपने घर नहीं बुला रही, ऐसे करके बचपन में रास्ता बताते थे अपने दोस्तों को कि भाई इस तरीके से आप हमारे घर आ जाना, इस गली में मत जाना, ठीक है। वो सब मैं नहीं बता रही हूँ, समझो कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आपको बैकवर्ड जाना है और उसके बाद पहली वाली लाइन को कंप्लीट करना, ठीक है। चलो अब देखो, हमारी एक तो कंप्लीट हो ही थी रिक्वायरमेंट ईपीएस वाली, पहला तो उन्होंने ईपीएस ही मांगा था, ईपीएस अपन ने कैलकुलेट कर दिया उन्हें 3.1733। दूसरा क्या मांगा है उन्होंने, इंटरेस्ट, वो भी अपन ने कैलकुलेट कर दिया। इंटरेस्ट अभी ऊपर ही कैलकुलेट किया था अपन ने, कितना आया था 393713, ठीक है। ये जो अपन ने वाली गली खत्म करी थी ना उल्टी जाके, वहां से अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया था। और अब अपन को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ डेट, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेट ये तो अपन ने इनकम स्टेटमेंट में ही कंप्लीट कर ली है, अमाउंट ऑफ डेट और कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ डेट के लिए अपन को पता चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या? देखो अमाउंट ऑफ डेट कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, बचपन में भी करते थे, डेट को, अमाउंट ऑफ डेट को पूरा लिख देती हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटू करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब इंटरेस्ट अपन को पता है 393714, ये रहा इंटरेस्ट अपन को पता है 393714। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को पता है 12%, तो अमाउंट ऑफ डेट आ जाएगा, इसे बस इसे डिवाइड करना है, तो 393714 डिवाइड कर दो 12% से, 393714 डिवाइड कर देंगे 12% से, ये आ जाएगा 3280950। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं 393714 एकदम सही, ईपीएस 3.1733 एकदम सही, और ये अमाउंट 3280950 एकदम इंस्टीट्यूट से एकदम मैच कर रहा है अपना, एक भी डेसिमल इधर उधर नहीं आ रहा। होप्स आपको समझ में आया होगा। मेन ध्यान आपको रखना है कि पहले आपको दो कॉलम बनाने हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। एक बनाना है जिसमें ओरिजिनल वाली जो भी सेल्स चल रही है, करंट सेल्स लेवल, और दूसरा बनाना है जिसमें आपको सेल्स को कम करना है 25% से, ठीक है। और आपको जो 25% से कम करने वाला है, यानी कि जो सेकंड है आपका, उसको पहले कंप्लीट करना है और उसमें इंटरेस्ट अमाउंट निकाल कर फिर आपको फर्स्ट वाली में जाना है, ठीक है। फिर करंट सेल्स लेवल से आप सारे के सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे। तो उम्मीद है थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है पूरी पूरी। और मुझे बताइएगा एफर्ट्स काम आए कि नहीं गए, आसान बना कि नहीं बना क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।